नमस्कार, मैं डॉक्टर अतीन बैनर्जी। आज एक और एक इंटरेस्टिंग चीज़ लेके हम लोग आ रहे हैं, क्योंकि विल वर्क ऑन ओबेसिटी मैनेजमेंट लास्ट 22 ईयर्स। तो ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड से एक रिक्वेस्ट था जो आप लोग किया करते हैं, हम लोग जानना चाहते हैं। तो उन लोगों के लिए हम लोग ये सब वीडियो बना रहे हैं जो और भी अच्छे से काम हो। और अथिन्स का एक मिशन है ओबेसिटी डायबिटीज़ कैंसर फ्री इंडिया, तो हर कोई एक बढ़िया एविडेंस बेस और जिसमें रिजल्ट हो, रिजल्ट ओरिएंटेड काम को पसंद करते हैं। तो ये उन लोग जितना भी प्रोफेशनल है उन लोगों के लिए, प्लस जितना भी ओबेस पेशेंट है एंड जो लोग चाहते हैं ग्लैमर वर्ल्ड में जो लोग हैं, तो उन लोगों के लिए ये वीडियो टोटली हम लोग बना रहे हैं। तो आज हम लोग जो दिखाएंगे वो है फेस ट्रीटमेंट, जो फेस अथिन्स का जो आपका फेस लिपो है। और बेसिक नॉर्मली हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं जो फेस का फैट डबल चिन रिमूवल ट्रीटमेंट, फेस का फैट रिडक्शन ट्रीटमेंट, जो आपका अंडर आइज जो रिंकल्स है उसके लिए हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं, नॉस्टल्स लाइन और लाफिंग लाइन ये जिसका हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। तो कंप्लीट जो फेस का फैट है वो कंप्लीट हम लोग रिडक्शन का ट्रीटमेंट आज हम लोग आपको दिखाएंगे। ओके, तो अभी जो हम लोग ट्रीटमेंट दिखाएंगे, तो टोटली हम लोग हर वक्त क्या करते हैं, जो जैसे हम लोग का फ्रेंड्स रहता है तो उसी के हम लोग हिसाब से हम लोग को दिखाते हैं टोटली वीडियोस वगैरह। अभी जो दिखाने वाला है ये इट्स अ मिरेकल एंड अमेजिंग रिजल्ट, जहाँ से ये नॉर्मली ये पोस्ट ट्रीटमेंट कितना होता है। बिफोर ट्रीटमेंट ऑलरेडी हम लोग दिखाएंगे जो आपका पहले कैसा ये था, तो इसके साथ साथ पोस्ट ट्रीटमेंट क्या, फेस ट्रीटमेंट कितना होता है एंड कैसे रिजल्ट होता है, वही आज आपको हम लोग दिखाएंगे। तो आज हम लोग जो फेस ट्रीटमेंट दिखाएंगे ये हाईली क्वालिफाइड और स्किल्ड प्रोफेशनल द्वारा ही करना चाहिए। तो बार बार मैं आपको बोलता हूँ जो स्किल्ड है उनके हैंड में ही करना चाहिए। इट्स नॉर्मली वो जो नहीं, जो कहीं भी एडवर्टाइजमेंट हम लोग देख लिया चले गए और हम लोग ट्रीटमेंट किए, कोई ट्रीटमेंट का एक जैसे अच्छा इफेक्ट होता है तो उसके लिए उसका बैड साइड भी होता है, ठीक है। तो हर वक्त क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स द्वारा ही आप यह ट्रीटमेंट करो। तो चलिए हम लोग आज देखते हैं जो एक फेस ट्रीटमेंट अथिन्स में कैसे होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अतीन बैनर्जी। आप लोगों को एक वार्निंग देना चाहता हूँ, इसके लिए वार्निंग देना चाहता हूँ क्योंकि ये जो मैं वीडियो आप लोगों को दिखा रहा हूँ ये वीडियो हाईली स्किल्ड हैंड में अप्लाई किया गया, जितना भी टेक्निक्स है इसके साथ साथ आपका हर टेक्निक का इसका साइंटिफिक मेडिकल एंड हॉलिस्टिक इसमें अप्रोच दिया गया, जहाँ पे मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच और मल्टीडिसिप्लिनरी इंटरनेशनल हॉलिस्टिक साइंटिफिक एंड मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच यहाँ पे अप्लाई किया गया। तो कृपया करके जब तक ये जितना भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का आपका जो टेक्निक है ये आप अच्छे से स्किल नहीं हो जाते, तो तब तक कोई भी टेक्निक आप अप्लाई मत करो, क्योंकि एक गलत टेक्निक अप्लाई करने से एक पेशेंट इंजियर हो सकता है, नॉट फिजिकली इंजियर्ड एवरी टाइम। इसके साथ साथ क्या हो सकता है, एक गलत टेक्निक आपके अप्लाई करने से आपका क्या होता है, मेंटली भी इंजर्ड हो सकता है पेशेंट। तो कृपया करके आप लोगों को मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, जो ये टेक्निक को आप प्रॉपर ट्रेनिंग ले। ये अथिन्स एंटी ओबेसिटी डायबिटीज फाउंडेशन और ओबेसिटी प्रैक्टिशनर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया से हम लोग प्रॉपर क्लिनिकल ट्रेनिंग देते हैं, जो ट्रेनिंग लेने के बाद ही आप लोग ये स्किल को आप अप्लाई कर सकते हो। और इसके साथ साथ क्या होता है, क्योंकि गलत आपका टेक्निक जब आप अप्लाई करते हो, मान लो एग्जांपल एक विजुअल मैनिपुलेशन कर रहे हो, मे बी लिवर का आप विजुअल मैनिपुलेशन कर रहे हो या आप यूट्रस का आपका मैनिपुलेशन कर रहे हो, हाँ, तो इसमें क्या होगा, अगर इसमें क्या होता है, प्रॉपर पैल्पेशन रिक्वायरमेंट होता है, उसके एक इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन होता है, जो असेसमेंट करना पैल्पेशन करना, इसके बाद आप जब एक जगह पे आते हो तब आपका ट्रीटमेंट होता है। तो हर कुछ यही है, वीडियो पे आपका हम लोग दिए नहीं है, तो जिसके कारण एक गलत इस्तेमाल से किसी के इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम हो सकता है, किसी का आपका यूट्रस जैसे आपका प्रोलैप्स है और भी प्रोलैप्स ज़्यादा हो सकता है, या लिवर का और भी प्रॉब्लम हो सकता है, शिफ्टिंग हो सकता है और दूसरा ऑर्गेन इंजर्ड हो सकता है, इसकी
हिसाब से जैसे फिजिकली आप ट्रीट करते हो तो वो मेंटली भी आपका इफेक्ट होता है। ओके तो गलत इस्तेमाल से स्ट्रेस बढ़ सकता है या बहुत जो हार्मोनल सिस्टम्स है या मेकानोरिसेप्टर्स जितना भी है उसका पूरा आपका ब्रेन का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी चेंज हो सकता है। तो ये बार बार मैं आप लोगों को इतला करना चाहता हूँ जो विदाउट कंप्लीट ओबेसिटी प्रैक्टिशनर्स का ट्रेनिंग के बिना ये कोई भी टेक्निक आप अप्लाई नहीं कर सकते। एंड इसके साथ साथ क्या होता है, एक ओबेसिटी प्रैक्टिशनर्स क्या होते हैं, एक ओबेसिटी प्रैक्टिशनर्स होने के लिए आपको नंबर वन फंडामेंटल ऑफ ओबेसिटी आपको जानना जरूरी होता है। इसके साथ साथ क्लिनिकल न्यूट्रिशन का मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच आपको जानना होता है। इसके साथ साथ आपका टोटली मैनुअल थेरेपी ऑस्टियोपैथी आपको अच्छे से जानना होता है, इलेक्ट्रोपैथी जितना भी आपका मॉड्यूल्स है मॉडलिटीज है ये आपको जानना होता है, एक्सरसाइज मेडिसिन जो है फिजिकल मेडिसिन आपको अच्छे से जानना होता है। एंड इसके साथ साथ इंडिकेशन कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है, तो एक ओबेसिटी एक बहुत बड़ा चैप्टर्स है। तो ये सब जानने के बाद अतीन से हम लोग और ओबेसिटी प्रैक्टिशनर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के तरफ से जो लोग क्वालिफाइड होते हैं तो वो उन लोगों को हम लोग सर्टिफाई करते हैं एज ए क्लिनिकल ओबेसिटी प्रैक्टिशनर्स, रजिस्ट्रेशन भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं। तो विदाउट रजिस्ट्रेशन आप ओबेसिटी का जो भी ये सब टेक्निक जो अभी हम लोग अप्लाई करें तो ये आपको रिक्वेस्ट है, ये आप प्लीज़ यूज मत करो पेशेंट के ऊपर। और एक मैसेज है पेशेंट के लिए, जितना भी क्लाइंट्स है या जो आप दूसरे से ओबेसिटी का ट्रीटमेंट आप अपना बॉडी में कराना चाहते हो तो उन लोगों के लिए एक आपका मैसेज है मेरा। तो ये मैसेज आपको मैं इसीलिए दे रहा हूँ क्योंकि बॉडी आपका है, अगर इंजरी होगा तो जो आपका प्रैक्टिस कर आपके ऊपर जो अप्लाई किया जो टेक्निक वो तो उसका कुछ आएगा नहीं जाएगा नहीं, बट आपका बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो जब तक अतीन सर्टिफाइड आपका क्लिनिकल ओबेसिटी प्रैक्टिशनर्स का सर्टिफिकेशन ना हो जाए उन लोगों को आइदर, नहीं तो अब क्या है कि क्वालिफाइड मेडिकल प्रोफेशनल्स जो है कोई अगर डॉक्टर्स है एंड वो है क्वालिफाइड है एंड वो क्वालिफाइड के साथ साथ उसका नॉलेज होना चाहिए, डेप्थ नॉलेज होना चाहिए ऑन ओबेसिटी। ओके जो एक ओबेसिटी का क्लिनिकल एक्सपीरियंस होता है उसके उनका कितना है, कितना दिन से प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो ये सब देख के आप उनको अब ओबेसिटी मैनेजमेंट करने के लिए आप उनको अपना बॉडी दो उससे पहले मत दो। कोई भी इंजुरी होगा कोई भी अगर गलत टेक्निक से इंजुरी होगा तो इसके लिए अतीन सेंट्रल ओबेसिटी डायबिटीज फाउंडेशन और ओबेसिटी प्रैक्टिशनर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया और डॉक्टर अतीन बनर्जी कोई हम लोग इसका कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते। ओके तो आपका अतीन सर्टिफाइड आपको ओबेसिटी प्रैक्टिशनर से ही आप लोग ये ट्रीटमेंट कराओ। थैंक यू वेरी मच टू सीइंग दिस वीडियो। हाँ तो अभी चलते हैं एक फेस ट्रीटमेंट के लिए। फेस ट्रीटमेंट का क्या होता है, ये इट्स अ फाइन टच, ठीक है। इससे पहले भी हम लोग ट्रीटमेंट कर चुके बट अभी फाइन टच करना है एंड एक कंप्लीट आपको टच देना है। बेसिकली इधर में हम लोग जो करेंगे कोई भी काम करने से पहले पूरा हम लोग जो आपका फेस जो है पूरा हम लोग इसको क्लीनिंग कर लेंगे। क्लीनिंग भी जब करेंगे तब अकॉर्डिंग टू मसल्स का ओरिजिन इंसर्शन इसका ध्यान थोड़ा सा रखना है, जो आपका मसल्स का ओरिजिन और इंसर्शन की सबसे भी क्लीन करना है क्योंकि कॉन्ट्रैक्टाइल टच जो वो प्रॉपर होना चाहिए क्योंकि ब्रेन को सब कुछ पता चलता है आपका ईच एंड एवरी टच। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, टाइटनिंग टोनिंग फर्मिंग आपको करना है। हुँ?
ओके, तो पहले हम लोग ये एरिया क्लीन कर दिए, एंड क्लीन करने के बाद थोड़ा सा हम लोग इसको ड्राई होने के लिए देंगे। जो ड्राई होगा फिर हम लोग नेक्स्ट हम लोग काम करेंगे। इससे पहले हम लोगों को क्या करना है, टारगेट करना है जो कहाँ कहाँ से हम लोग फोकस करेंगे। ठीक है, तो अभी आप फेस में फोकस करो। हाँ, तो अभी इनका जो है, पहले हम लोग बहुत ट्रीटमेंट कर चुके हैं, नियर अबाउट आपका 20 ट्रीटमेंट ऑलरेडी कर चुके हैं। देन ये फेस अभी है, तो ये क्या है, अभी हमको जो काम करना है, हाँ, ये आपका राइट एंड लेफ्ट में आप देखेंगे, ये जो ये आपको लाइन के नॉस्ट्रल लाइन, इसके ऊपर काम करना है, इसको पूरा आउट करना है। एंड इसके साथ साथ आपका राइट भी थोड़ा सा अप एंड डाउन है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। इसमें अगर देखेंगे तो थोड़ा सा आपका डिफरेंस आ रहा है, हाँ, ये राइट एंड लेफ्ट में हम लोग ये एरिया में अगर देखेंगे तो हमको पूरा फेस नज़र आएगा। ओके, तो राइट एंड लेफ्ट हमको पता चलेगा जो कैसे क्या हो रहा है। आप राइट का ये जो आप देख रहे हो, हाँ, ये थोड़ा सा एंड इसमें ये क्लियर दिख रहा है नॉस्टल्स का एक जो लाइन। ओके, तो इसको हमको फोकस करना है। और यहाँ से मिल रहा है जो, अगर राइट एंड लेफ्ट में हम लोग देखेंगे तो ये आप डॉट 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 आप लोग देख रहे हैं, देन मसल्स इज बिकम फैटिक। ओके, तो उसमें मसल्स ऑलरेडी फैटिक है, एंड इसके साथ साथ आपका क्या है, ये मसल्स थोड़ा सा स्पैजम है। ये जो मसल्स का, तो ये जो आप लाइन देख रहे हैं, ये मसल्स आपका स्पैजम है। ओके, एंड इसके साथ साथ जो आप फोकस करना है, नेक्स्ट हम लोग आएंगे जो ये राइट साइड एंड लेफ्ट साइड में, हाँ, लेफ्ट साइड में भी थोड़ा सा काम करना है इनका टोटल फेशियल जगह में, एंड राइट साइड में भी ये जो पार्ट है, हाँ, ये पार्ट के ऊपर हम लोगों को फोकस करना है। ओके, एंड हम लोग इसमें हर वक्त जो देखते हैं फेशिया देखेंगे, फेशिया का जो स्ट्रक्चर, हम लोग अगर नॉर्मली फेशिया अगर देखते हैं तो हम लोग फेशिया को चेक करेंगे एक बार, एकदम फेस पे आप रखो। फेशियल स्ट्रक्चर हम लोगों को आपको देखना है, जो फेशियल स्ट्रक्चर आप देख सकते हो ये नॉर्मल, तो इट्स अ इंटरनेशनल इंटरग्रेटेड मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच में हम लोग इसको असेसमेंट करते हैं। कोई भी फेस ट्रीटमेंट या कोई भी ट्रीटमेंट जब हम लोग करते हैं, उससे पहले सबसे बड़ा ज़रूरी है जो असेसमेंट, जो आप फेस के ऊपर जब काम करेंगे कैसे काम करेंगे, एंड इसके साथ साथ आपको क्या करना होता है, जो प्रॉपर असेसमेंट के सिवा जितना भी आप ट्रीटमेंट करो तो वो ट्रीटमेंट में आपका उतना असर नहीं शो करेगा। जो आपको सबसे पहले जो आपको देखना है, जो कैसा है फेस, क्यों है, एंड फेशियल उनका स्ट्रक्चर कितना है, तो उसके ऊपर हम लोग फोकस करेंगे जो फेशियल स्ट्रक्चर में। थोड़ा सा हम लोग ड्राई होने के लिए दिए, थोड़ा सा ड्राई होने देंगे नेयर अबाउट, हाँ, अभी भी थोड़ा सा ड्राई होने का ज़रूरत है। तो ये आपका ड्राई हो गया। तो इसमें हम लोग नॉमिनली अगर देखते हैं, अभी हम लोग फेशियल को देखेंगे जो कैसा आपका स्ट्रक्चर है। तो ओके, तो हम लोग एकदम सीधा रखेंगे, प्रॉपर आपका आ जाए। अभी हम लोग क्या करेंगे, कोई भी एक कार्ड और वो से हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे, हाँ, जो अभी हम लोग फेस पे देखेंगे, अभी हम अगर फेस देखेंगे तो दोनों फेस के अंदर आप अंतर देखोगे। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, आपका लेफ्ट साइड जो है, तो आपका इनका जो फेशियल जो लाइन है फेस का, ये जो फेशियल लाइन है, ये फेशियल लाइन आपका पुलिंग किया हुआ है। ठीक है, लेफ्ट साइड में थोड़ा सा खींचा हुआ है। हैं, हम लोग क्या, हम लोग कहाँ का नज़र आपको देना पड़ेगा, आप आइज देखेंगे, आइज का ब्रो हम लोग देखेंगे, एंड आपका लिप्स देखते हैं, ये जो लिप्स है ये आप देखते हैं, तो यहाँ से आपको पता चलेगा जो कौन सा साइड ये खींचा हुआ है और पुलिंग किया है। ठीक है, तो ऐसे करके हम लोग क्या करते हैं, जो मसल्स और जो फेशियल जो चेन है, ये फेशियल चेन के ऊपर हम लोग फोकस करेंगे, जो फेशियल चेन आपका कितना है।
तो हम लोग ये जो साइड है, ये साइड में थोड़ा सा खिंचाव है, ठीक है, ये साइड में थोड़ा सा खिंचाव है, इसको हम लोग रिलीज़ करेंगे जब, तब क्या होगा, ये जो मसल स्पैजम है अब अच्छे से देख पा रहे हैं, जो ये डॉट 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 इधर में है, ये डॉट डॉट इधर नहीं है, ओके, तो ये इधर में नहीं है, तो इसमें मसल्स स्पैजम है, यानी मसल्स फैटिक है। एंड इसके साथ साथ हम लोग अगर लिप्स में देखेंगे, अच्छे से लिप्स के ऊपर हम लोग अगर फोकस करेंगे, हाँ, तो लिप्स में भी आप अगर देखते हैं तो ये लेफ्ट साइड में पुलिंग किया गया, ओके, थोड़ा सा लेफ्ट साइड में पुलिंग किया है। इसके साथ साथ हम लोग अगर फिर इसमें हम लोग क्या करेंगे, नेक में फोकस करेंगे, तो अगर नेक में हम लोग फोकस करते हैं, ऐसे रखो, हाँ, तो ये जो स्टार्नोक्लीडोमास्टॉइड है, स्टार्नोक्लीडोमास्टॉइड थोड़ा सा पुलिंग है, ओके, एंड थोड़ा सा स्केलिनी की तरफ भी देखेंगे, जो लेफ्ट स्केलिनी एंड राइट स्केलिनी और एंटीरियर स्केलिनी और पोस्टीरियर स्केलिनी, तो उसके ऊपर भी ध्यान देना है आपका नेक का फैट, डबल चिन और फेस का फैट रिडक्शन करने के लिए, ओके, तो ये हम लोग पहले असेसमेंट है, तो ये पहले क्या करेंगे, हम लोग असेसमेंट कर लिए, फिर हम लोग ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे। ओके, तो देन हम लोग क्या करते हैं, ऑलरेडी हम लोग असेसमेंट दिखा रहे हैं, या फेस का असेसमेंट आपको कैसे करना है, एंड इसके साथ साथ आपको जो करना है, हाँ, वो है, तो हम लोग ये जो लोकल एरिया में स्टिमुलेशन देंगे, तो इट्स वन टाइप ऑफ स्टिमुलेटर जहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं इसको, एंड ये डायरेक्ट यूज़ नहीं करना है, तो आपको एक हैंड के ऊपर ही यूज़ करना है, हम लोग एक हैंड के ऊपर रख के यूज़ करेंगे, क्योंकि ये सोफिस्टिकेटेड टिश्यूज़ है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक हैंड और एक हैंड के ऊपर रखेंगे, एंड फिर इसको पहले हम लोग क्या करेंगे, फेस को साइडवेज कर लेंगे, ओके, तो ये करने के बाद क्या, ये स्टार्नोक्लीडोमास्टॉइड है, तो हम लोग क्या करते हैं, स्टार्नोक्लीडोमास्टॉइड को रिलीज करते हैं, जस्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो हम लोग स्टार्नोक्लीडोमास्टॉइड को हम लोग रिलीज किए, ओके, हाँ, ये करने के बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, स्केलिनी जो है, एंटीरियर स्केलिनी जो है, वो स्केलिनी के ऊपर हम लोग फोकस करेंगे, तो स्केलिनी को भी रिलीज कर रहे हैं, तो दो मसल्स, मेन जो मसल्स है फॉर नेक का, वो हम लोग कर लिए, ये करने के बाद फिर अपोजिट साइड को भी हम लोग कर लेंगे। अब देख रहे हैं ऑलरेडी ये क्योंकि इसमें थोड़ा सा आपका स्टिफनेस है एंड थोड़ा सा ये शॉर्टनिंग है, तो हम लोग फिर क्या करेंगे, इसको हम लोग हैंड में हाथ को ऐसे प्लेस करेंगे और हाथ को ऐसे प्लेस करेंगे, तो ऐसे करके हम लोग लेके जाएंगे। सेवन टाइम्स हो गया, फिर फोकस ऑन स्केलिनी, ओके, तो दो मसल्स को हम लोग रिलीज कर रहे हैं, ऑलरेडी आप देख रहे हैं जब रिलीज कर रहे हैं तो इट्स बिकम रेडीज, ओके, तो सर्कुलेशन भी आपके इसके साथ साथ इम्प्रूव हुआ। जो एक स्टिमुलेटर यूज़ करें, स्टिमुलेटर का क्या काम है, हम लोग जब रिलीज कर रहे हैं, यू कैन सी हियर, जो आपका सर्कुलेशन भी धीरे धीरे ये रेडीज हो गया, यानी सर्कुलेशन बढ़ गया, फिर हम लोग नेक को स्ट्रेट कर लेंगे एंड फिर रेस्ट ऑफ द मसल्स में फोकस करेंगे। यू कैन सी माय हैंड ग्रिप एंड हैंड प्लेसमेंट दिस वे, एंड इसके ऊपर हम लोग रख रहे हैं, तो इसका एक इनसाइड में क्या होता है, फेस के इनसाइड में एक माइक्रो मसाज होता है, यहाँ पे सर्कुलेशन बढ़ेगा एंड जिसमें मसल्स फाइबर तैयार होगा एंड इसके साथ साथ ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन, हाँ, ये सब आपको पूरा स्किन और मसल्स जो लोकल जो मसल्स है इनको मिलेगा। इधर में हम लोग रिलीज कर लिए, फिर विल फोकस ऑन नॉस्टल्स, फिर अपोजिट साइड सेम,
ये थोड़ा सा डिफरेंट है। मार्केट में जो हेवी आपका स्टिमुलेटर मिलता है, इट्स नॉट लाइक दैट। तो इसका जो आपका फ्रिक्वेंसी है बहुत कम है, एंड इट्स मेंट फॉर फेस ओनली। बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंसी से आप नहीं दे सकते। अब देख सकते हो फेस बिकम रेडिश, ये आपका हो गया। तो फिर हम लोग इसके साथ साथ हम लोग क्या करेंगे, इसके साथ साथ हम लोग फिर ये जो मसल्स है, हाँ, ये मसल्स को हम लोग हैंड्स ऑन रिलीज करेंगे मैनुअल थेरेपी थ्रू, एंड इसके साथ साथ थोड़ा सा हम लोग एक्टिवेशन भी कर लेंगे। ओके, तो इससे पहले हमको क्या करते हैं, जो आपका सर्वाइकल जो वर्टिब्रा है, सर्वाइकल वर्टिब्रा में अगर इमोबिलाइजेशन रहेगा और इमोबिलाइज रहेगा सर्वाइकल वर्टिब्रा, तो उसमें भी आपका इफेक्ट हो सकता है। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, ये सर्वाइकल वर्टिब्रा को हम लोग नीचे रखो, हम लोग मैनुअल थेरेपी यूज़ करेंगे, छोड़ दो, हाफ हम लोग मैनुअल थेरेपी कर रहे हैं, हाफ ट्रक्शन इफेक्ट हो रहे हैं। होल्ड काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 मेंटेन रिलीज अगेन 1 2 3 4 5 6 7 8 रिलीज 3 1 2 3 4 5 6 7 8 रिलीज अगेन 1 2 3 4 5 6 7 8 रिलीज रिलैक्स। तो हम लोग सर्वाइकल को रिलीज़ कर लिए, फिर हम लोग देखेंगे जो बहुत रिलैक्स है, हाँ, ये मसल्स में जितना आपका जो खिंचाव था, हाँ, स्टिफनेस था, वो काफ़ी कम है। तो ये करने के बाद फिर हम लोग अगर फेस को देखते हैं, तो फेस में हम लोग अगर फोकस करेंगे, देन यू कैन सी फेस में बहुत डिफरेंस है। ओके, फेस में ये जो आपका ये जहाँ यहाँ पे जो आपका थोड़ा सा स्टिफनेस था, एंड आपका वो थोड़ा सा कम हुआ, एंड इधर में तो इसके साथ थोड़ा सा बैलेंस हो गया जस्ट नेक एडजस्ट करने से। ओके, तो फिर हम लोग ये करने के बाद क्या करेंगे, फिर ये हो गया, इसके साथ साथ हम लोग क्या करेंगे, ये मसल्स को मैनुअली हम लोग रिलीज़ करेंगे, मसल्स जितना भी है मैनुअली हम लोग रिलीज़ करेंगे। तो उसमें फिर हम लोग क्या करेंगे, ट्विस्ट करेंगे इसको, एंड हम लोग स्ट्रेचिंग इफेक्ट देंगे, एंड होल्ड फॉर 90 सेकेंड, जस्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसा करके हम लोग 90 सेकेंड करके होल्ड करेंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे, स्केलिनी जो है, स्केलिनी को भी हम लोग स्ट्रेच करेंगे, ऑल टेक्निक आर वेरी स्पेसिफिक, विदाउट स्किल्ड हैंड डोंट यूज दिस टेक्निक। ओके, फिर हम लोग क्या करेंगे, दूसरा वो में भी हम लोग स्ट्रेच करेंगे, अब MFA और मायोफेशियल रिलीज भी आप कर सकते हो। जस्ट होल्ड फॉर 90 सेकेंड, अगेन हम लोग क्या करेंगे, स्केलिनी को भी हम लोग स्ट्रेच करके रखेंगे, एंटीरियर स्केलिनी को, इसका प्रेशर प्रॉपर होना चाहिए। ओके, अगर प्रेशर आपका प्रॉपर नहीं हुआ, हाँ, तो आपका कुछ रिजल्ट नहीं आएगा। और सो मैनी टेक्निक है पैल्पेशन का, उसको हम लोग फिर चेक करेंगे, फिर देखो इसमें बहुत चेंजेस है, ये दोनों एक हो गया। हम लोग अगर चेक करते हैं तो ये जो दोनों पार्ट है ये आपका सेम हो गया, जस्ट नॉर्मल, कुछ नहीं किया, हाँ, आप देख सकते हो पहले जो आप चेक किया और ये इसमें चेक किया, दोनों में अंतर है। ओके, तो फिर हम लोग नेक्स्ट स्टेप करेंगे। ओके, तो फिर हम लोग नेक्स्ट जब करेंगे, जो ये जो एरिया है यहाँ पे कोलाजिन का एक बड़ा फैक्टर है, जो अच्छा कोलाजिन क्वालिटी वाइज कोलाजिन यूज़ करना है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इट्स अ कोलाजिन आपका जेल है, तो ये कोलाजिन से पूरा भरा हुआ है जेल, जहाँ पे इसको जैसे नरिशिंग मिलेगा, एंड इसके साथ साथ आपका ये जो
अंदर में जो कोलाजन फाइबर है, एलास्टिजिन एंड कोलाजन फाइबर, हाँ, तो इसको भी और भी स्ट्रेंथनिंग करेगा, ओके, और भी प्रोडक्शन करेगा, और भी हेल्प करेगा, एंड स्किन में आपका ग्लो भी आएगा, ओके। तो इसके साथ साथ हम लोग क्या करेंगे, जैसे इसको हम लोग यूज़ करेंगे कोलाजन जेल, एंड इसके साथ साथ हम लोग जो करेंगे, हम लोग सॉफ्ट टिश्यू मैनिपुलेशन टेक्निक अप्लाई करेंगे, जहाँ पे और भी वैसे और भी ज़्यादा आपका सर्कुलेशन बढ़ जाए, एंड इसके साथ साथ और भी मसल्स एक्टिवेट हो जाए, मसल्स को न्यूट्रिशन मिले और वो मिले, ओके। तो हम लोग इसको यूज़ करें, पूरा जितना हमको रिक्वायरमेंट है फेस का, तो हम लोग नॉर्मली क्या करें, उसके साथ साथ हम लोग सॉफ्ट टिश्यू मैनिपुलेशन कर रहे हैं, बहुत जेंटल आपका इफेक्ट हम लोग इसको यूज़ करते हैं। हाँ, जो हायर्ड बोन है एंड इसके आसपास में भी जितना आपका मसल्स है, ये मसल्स ग्रुप को भी हम लोग रिलीज करेंगे, एंड जब हम लोग काम करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका मैग्नेटिक एक इफेक्ट होता रहता है। थोड़े से निक को आप साइड करो, घुमाओ निक को, हाँ। तो जिन लोगों का हल आपका है जो डबल चिन है या आपका फेस का फैट है, तो इट्स अ अमेजिंग टेक्निक, जहाँ से बहुत बढ़िया रिजल्ट होता है अंडर क्वालिफाइड प्रैक्टिशनर्स, और ये कोई भी रिजल्ट आपका हर कोई रिजल्ट हम लोग का गारंटेड है, हाँ, एथिंस में हम लोग पूरा रिजल्ट गारंटी देते हैं, गारंटी के साथ काम करते हैं, ओके। सीधा करो ये साइड, ये साइड ट्विस्ट, ओके, पूरा हम लोग कर लिए। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, बोथ को एक साथ पुल करेंगे, क्योंकि ये सब करने से हम लोग जब फेस ट्रीटमेंट सिखाते हैं, जब हम लोग आपका ओबेसिटी के ऊपर, हम लोग ये ओबेसिटी के अंडर में आता है, हैं, तो फेस का जितने भी फैट्स है और आपका डबल चिन का जितने भी फैट्स है, तो और फाइन टच भी हम लोग करते हैं, जो थोड़ा सा अगर फैट है तो वो भी हम लोग रिडक्शन करते हैं। डिफरेंट डिफरेंट टाइप का हम लोग फेस का ट्रीटमेंट हम लोग दिखाए, और इसके साथ साथ हम लोग ट्रेनिंग भी देते हैं इसके ऊपर, ओके। तो हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप अप्लाई करेंगे, एंड फेस का जितना भी मायोफाशिया है, मायोफाशिया के ऊपर हम लोग ज़्यादा काम करते हैं, जहाँ से आपका ये फेशिया रिलीज हो जाए, ये हम लोग कर दिए। करने के साथ साथ हम लोग क्या करेंगे, जो लोकल ये नॉस्टल्स का मसल्स है, ये नॉस्टल्स का मसल्स को हम लोग स्टिमुलेट करेंगे। राइट टेक्निक आपको यूज़ करना है, नहीं तो ये सैगिंग भी हो सकता है, इसीलिए क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स जितना भी है एंड अंडर जो लोग अथीन से ट्रेनिंग लिया है, वो लोग से ये आप कराओ, जिसमें प्रॉपर आपका हो सकता है, नहीं तो आप टोनिंग करने के लिए, टाइटनिंग करने के लिए आप जाएंगे, ये और भी लूज़ हो जाएगा एंड जो फेस का शेप आपका डिफरेंस हो जाएगा। तो हम लोग ये कर लिए,
ये करने के बाद नेक्स्ट जो हम लोग अप्लाई करेंगे वो है PNF एक्सरसाइज हम लोग करेंगे फॉर आपका लिप का मसल्स जो है, आपका जो नेक का मसल्स है, ये सब के लिए हम लोग PNF हम लोग अप्लाई करेंगे, प्रोप्रियोसेप्टिक न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन एक्सरसाइजेस। इसका डिफरेंट डिफरेंट हम लोग वो करेंगे, जस्ट हम लोग लिप का करेंगे। जस्ट फर्स्ट हम लोग स्ट्रेच कर लेंगे, पहले स्ट्रेच कर लेंगे, पहले स्ट्रेच कर लेंगे, अगेन ब्लो जस्ट 1 2 3 फॉलो माय काउंट्स 4 5 फॉलो माय काउंट्स, आपका काउंट को फॉलो करो 5 अभी ब्लो करो, ब्लो ब्लो 6 7 किस द स्काई 8 9 10 ओके देन हम लोग फिर करेंगे ई करेंगे ई गुड 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गुड। तो आप देख रहे हैं फेस का ऑलरेडी जो आपका इनका लिप का थोड़ा सा लेफ्ट में जो पुल किया हुआ था पहले ही मैं दिखाया, वो अभी देखो नॉर्मल हो गया दोनों, ये जो लेंथ अब देखो नॉर्मल हो गया है। इस ये लेंथ हम लोग क्या मेजरमेंट करते हैं, ये लेंथ नोज और चिन। तो ये जो पार्ट हम लोग अगर देखेंगे हैंड को ऐसे रखेंगे तो हमको पता चलेगा मैं करेक्शन कर पाया या नहीं कर पाया, ये सेंट्रल लाइन होना चाहिए ओके। फिर एंडिंग में भी हम लोग दिखाएंगे। ये करने के बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, ओ करेंगे, ओ पूरा गुड 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गुड पूरा खोलो गुड ओके। फिर इसके साथ साथ हम लोग क्या करेंगे, मसल्स एनर्जी टेक्निक हम लोग अप्लाई करेंगे फॉर TMG जॉइंट एंड जो मस्टॉइड बक्सेटर ये सब जो मसल्स है फेस का उसके लिए हम लोग करेंगे ओके। जितना भी हम लोग ये मसल्स को अभी एक्टिवेशन करेंगे, पहले क्या किए मसल्स रिलीज़ किए ओके। रिलीज़ करने के बाद ये स्पैज़म वगैरह आप देखेंगे बहुत कम है, एंड इसके साथ साथ हम लोग क्या करेंगे फिर मसल्स को एक्टिवेशन करेंगे। अभी मीट करेंगे फॉर TMG जॉइंट, तो अभी क्या करना है जस्ट हम लोग दोनों उंगली ऐसे प्लेस करेंगे और आपका जो आई स्टिक है उससे भी आप कर सकते हैं। पहले ओपन योर माउथ पूरा ओपन गुड देन स्लोली क्लोज क्लोज हम लोग 20% से इनको प्रेशर रेजिस्ट करेंगे गुड गुड 2 पहले जाने दो पूरा मुंह बड़ा होगा 3 अगेन हाँ स्लो गुड अगेन ओपन जब ओपन होगा देन विल डू लिटिल बिट डिस्ट्रक्शन करेंगे अगेन ओपन गुड 20% प्रेशर से करना है अगेन अगेन पुल गुड अगेन देन अगेन पुल गुड। तो हम लोग मसल्स एनर्जी टेक्निक अप्लाई कर लिए, तभी अगर दोनों में हम लोग अंतर देख सकते हैं अच्छे से, अच्छा खासा ये नॉर्मल हो गया। इसका जो थोड़ा सा स्वेलिंग था हाँ इधर में और इधर में आप देखेंगे अच्छे से, अब थोड़े से ऊपर से दिखा यहाँ से दिखा हाँ तब देखेंगे। तो नॉमिनल हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अगर देखेंगे तो नॉमिनल तो इसमें बहुत आपका डिफरेंस है ओके। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग और भी फेस को टाइटनिंग टोनिंग फर्मिंग करने के लिए और भी अच्छा जो टोन्ड हो जाए फेस, तो उसके लिए हम लोग फोकस करेंगे इसके ऊपर हाँ। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये रेडियो फ्रिक्वेंसी है ओके। रेडियो फ्रिक्वेंसी में आपका टाइटनिंग टोनिंग आपका फर्मिंग होता है, तो आइए हम लोग देखते हैं रेडियो फ्रिक्वेंसी में।
तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, पहले ये ऑन कर लेंगे। ओके, तो फिर ये आपका ओरिएंटेड आपका लिपोसक्शन है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अल्ट्रासोनिक आपका लिपोसक्शन है एंड फिर आपका रेडियो फ्रिक्वेंसी है जो और भी स्किन को टाइटनिंग, टोनिंग, फॉर्मिंग कर देगी। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग इसको सिलेक्ट करते हैं, फिर फॉर हम लोग 10 मिनट्स के लिए इसको देते हैं, 10 मिनट के लिए हम लोग देंगे, 15, 10 हो गया। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग इसको ये इलेक्ट्रोड जो है इसको हम लोग टच करके रखेंगे और फिर ऑन कर देंगे। ओके, फिर हम लोग नीचे आने के बाद ये वर्किंग प्रोसेस में आपका आ गया। फिर हम लोग इंटेंसिटी को बढ़ाएंगे, तो हम लोग इसको अप्लाई करेंगे रेडियो फ्रिक्वेंसी। रेडियो फ्रिक्वेंसी आपका जब अप्लाई होता है तो हर वक्त हम लोग जो कोशिश करते हैं वो है हम लोग अकॉर्डिंग टू मसल्स का ओरिजिन और इंसर्शन के हिसाब से करते हैं। तो फेस को हम लोग टर्न कर लेते हैं एंड स्लोली हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ओके, एंड अकॉर्डिंग टू जो फेस का फॉशा जो है, फॉशा लाइन, तो फॉशा लाइन ये आपका काम करेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, फेस का अकॉर्डिंग टू फेशियल लाइन है, हम लोग फेशियल ऑलरेडी पहले हम लोग दिखाए जो फेस का पूरा फेशियल कैसे कवरिंग है, तो अकॉर्डिंग टू कवरिंग लाइन हम लोग स्लोली इसको स्टार्ट करेंगे। इसका काउंटिंग है जो एक सेकेंड है, क्योंकि हर कोई ये ट्रीटमेंट है तो ये ट्रीटमेंट के लिए क्या, इट्स अ डोज। ओके, तो एक एक फ्रीक्वेंसी को हम लोग एडजस्ट करना पड़ता है एंड अकॉर्डिंग टू फ्रीक्वेंसी आपका फेस का काम करता है। अदरवाइज़ ये नहीं जो आप रेडियो फ्रीक्वेंसी स्टार्ट कर दिए और आपको पता नहीं जो कितना फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करना फॉर फेस का और हर जो एरिया कितना फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करना है, तो फिर फेस का ये कोई काम का नहीं है। तो जब हम लोग ट्रेनिंग देते हैं तो वो ट्रेनिंग में ही हम लोग सिखाते हैं जो किसका क्या फ्रीक्वेंसी होगा। जैसे लीवर का डिफरेंस फ्रीक्वेंसी है, जब आपका अल्ट्रासोनोग्राफी होता है तो लीवर का डिफरेंस फ्रीक्वेंसी होता है, आपका स्प्लीन का डिफरेंस फ्रीक्वेंसी होता है, यूट्रस का डिफरेंस फ्रीक्वेंसी होता है। तो आपका जितना जो रेडियोलॉजिस्ट है एंड सोनोलॉजिस्ट जो है, वो सोनोलॉजिस्ट उसी फ्रीक्वेंसी में जब लीवर की तरफ जाते हैं तो वो फ्रीक्वेंसी में वो एडजस्ट करते हैं, तो आपको प्रॉपर रिपोर्ट मिलता है। ओके, तो ये भी आपका हर्ट्ज जितना भी है रेडियो फ्रीक्वेंसी का, आपको फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करना पड़ता है। एक एक एरिया, यहाँ से यहाँ तक एक फ्रीक्वेंसी होता है, यहाँ से यहाँ एक फ्रीक्वेंसी होता है, यहाँ से एक एरिया, तो हम लोग ऐसा करके डिविशन कर लेते हैं। तो ये एरिया में आपका एक फ्रीक्वेंसी आएगा, ये दो फ्रीक्वेंसी आपको यहाँ से एडजस्ट होता है एंड फेस के लिए अलग से फ्रीक्वेंसी। तो जो लोग आप लोग चाहते हो जो कंप्लीट एक ओबेसिटी मैनेजमेंट हम लोग सीखे, फैट रिलेटेड जितना भी मैनेजमेंट है, तो हम लोग यहाँ पे सर्टिफिकेट्स और डिप्लोमा कोर्स हम लोग करवाते हैं और वर्कशॉप भी करवाते हैं। जो लोग प्रोफेशनल्स है तो वो वर्कशॉप में आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। टोटल ये सब जो ट्रीटमेंट्स है इनका डिटेल्स जो भी है, तो हम लोग अकॉर्डिंग टू मेडिकल कंडीशन में हम लोग सिखाते हैं। वी आर एक्सपर्टाइज ऑन दिस।
यहाँ पे जब हम लोग लेके आएंगे तो आइज़ का आपको ध्यान रखना है, हाँ तो उसी के हिसाब से, क्योंकि गलत डायरेक्शन में आप अगर फ्रीक्वेंसी को देंगे तो आई डैमेज होने का चांसेस है, तो बी केयरफुल अबाउट इट। हर वक्त मैं बोलता हूँ कोई भी ट्रीटमेंट करने से पहले यूट्यूब थेरेपिस्ट आप मत बनो, ओके, यूट्यूब और गूगल टीचर डॉक्टर्स मत बनो, प्रॉपर इसके लिए ट्रेनिंग होता है, आप ट्रेनिंग लो, ट्रेनिंग लेने के बाद ही आप ये अप्लाई करो, क्योंकि आपका एक जो छोटा सा भूल दूसरे के लिए बहुत हानिकारक है। तो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में आप लोग देख रहे हैं, हम लोग लेके जा रहे हैं, एंड इलेक्ट्रोड जो है, इलेक्ट्रोड का मूवमेंट भी चेंज हो रहा है। तो वन साइड हम लोग कवर कर दिए, तो फिर हम लोग दूसरा साइड ऐसे ही हम लोग फिर स्टार्ट करेंगे। डिफरेंट डिफरेंट आपका मसल्स ग्रुप है एंड आपका डिफरेंट मायोफेशियल आपका लाइन है, तो यू हैव टू नो द 12 मायोफेशियल लाइन प्रॉपरली, ओके। अगर फेस का डिसफंक्शन है तो उसमें आपका, अगर पैर का प्रॉपर फाशा अगर प्रॉपर नहीं है, या फाशा का डिसफंक्शन है, या आपका उनका कमर का, या आपका जो घुटने का, जो कोई भी फेशियल स्ट्रक्चर और फेशियल लाइन में अगर ये डिसफंक्शन होगा तो फिर वो भी फेस के ऊपर आपका इफेक्ट हो सकता है। तो ये एक इंटरनेशनल साइंटिफिक होलिस्टिक मल्टीडिसिप्लिनरी मेडिकल अप्रोच है, जहाँ पे हम लोग करते हैं, वो भी क्लिनिकल कंडीशन में। तो अथीन्स एक्सपर्टाइज्ड विथ क्लिनिकल कंडीशन, जितना भी क्रिटिकल टू क्रिटिकल क्लिनिकल कंडीशन में आपका वेट लॉस नहीं हो रहा है, या आपका शेपिंग नहीं हो रहा है, या आपका फेस का फैट रिडक्शन नहीं हो रहा है, देन यू कैन फील फ्री टू अथीन्स। एंडिंग में हम लोगों का कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिया गया, कैसे कॉन्टैक्ट करेंगे, तो डिटेल्स वो कॉन्टैक्ट में आप बात कर सकते हो। ओके, तो जब कंप्लीट हुआ, 10 मिनट्स हम लोगों का कंप्लीट हो गया, क्योंकि गलत डायरेक्शन में आप पुल करेंगे तो जहाँ टोनिंग होने का है वहाँ सैगिंग हो जाएगा एंड फेस का शेप भी चेंज हो सकता है, तो बी केयरफुल अबाउट इट। जब आप काम करो तो पूरा कंप्लीट नॉलेज के साथ काम करो, आधा नॉलेज से काम मत करो। ओके, तो हम लोग इधर में अभी रेडियो फ्रिक्वेंसी कंप्लीट हो गया, देन हम लोग नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं।
हाय, तो हम लोग टोटली एक फेस ट्रीटमेंट हम लोग कर दिए। अभी क्या करेंगे, और भी टाइटनिंग टोनिंग फॉर्मिंग का इफेक्ट आए फेस में और एकदम फेस टाइट हो जाए, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अतिन्स हर्बल मेडिसिनल पैक यूज़ करेंगे। तो ये इससे पहले हम लोग क्या कर दिए, ऑलरेडी हम लोग इसको कवर कर दिए हैं। अब देख रहे हैं जो गॉज से हम लोग एक्रोलिक मसल्स का हम लोग कवर कर दिए। फिर हम लोग क्या करेंगे हैं, जो हम लोग ये हर्बल मेडिसिनल पैक को यूज़ करेंगे। नोस्टल्स को भी हम लोग कवर करते हैं। कुछ कुछ जगह में हम लोग ज़्यादा दे रहे हैं, जो हीट का इफेक्ट थोड़ा सा ज़्यादा हो जाए। ओके, तो हम लोग इसको नियर अबाउट आपका 10 to 15 मिनट्स हम लोग छोड़ देंगे फॉर टाइटनिंग टोनिंग फॉर्मिंग। ओके, तो ये एक कम्प्लीट हुआ हम लोग का एक जो कम्प्लीट आपका फेस फैट रिडक्शन ट्रीटमेंट। तो आई थिंक एक क्लियर आपको आइडिया मिल गया जो अथिन्स में आपका कैसा टाइप का आपका फेस फैट रिडक्शन ट्रीटमेंट होता है। एंड फैट रिडक्शन का भी डिफरेंट डिफरेंट आपका ट्रीटमेंट होता है, फैट रिडक्शन फॉर डबल चिन, फैट रिडक्शन फॉर लाफिंग लाइन, फैट रिडक्शन फ्रॉम नॉस्टल्स लाइन एंड ओवरऑल फैट रिडक्शन एंड फैट रिडक्शन फ्रॉम नेक। ओके, तो आइए चलते हैं, हम लोग देखते हैं जो जो पहले हम लोग देखे थे जो फेस कैसा था और अभी फेस कैसा है। हाँ, ओके, तो अभी हम लोग फेस में देखेंगे, फोकस करेंगे। ओके, तो अभी अगर फेस में हम लोग देखते हैं तो पहले फेस का कैसा था, ये लेफ्ट का लाइन का थोड़ा सा ज़्यादा था, स्वेलिंग टाइप का था एंड थोड़ा सा अनइवन था और राइट का। एंड इसके साथ साथ अभी अगर देख सकते हैं तो देखो आप, हाँ ये दोनों नॉर्मल हो गया, उल्टा ये कम हो गया। ओके, हाँ ये इसमें ज़्यादा हम लोग फोकस किए और ये कम हो गया जो आपका है। इसमें जो हम लोग देखे थे जो डॉट 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 आपका था, जो हम लोग देखते हैं जो स्पेस्टिसिटी और उधर में आपका मसल्स फैटिक था जिसके कारण स्टिफ था इधर में, तो वो अभी है नहीं एकदम। इसके साथ साथ हम लोग नॉर्मली अगर असेसमेंट करते हैं कार्ड से, तो कार्ड में भी हम लोग अगर देखेंगे तो दोनों फेस में हम लोग अगर देखते हैं तो दोनों फेस में एक बार आप आइज़ ओपन करो, आइज़ खोलो, तो हम लोग अगर ये दोनों फेस को देखते हैं, आप राइट साइड आई और लेफ्ट साइड आई, आप देखो दोनों एकदम बराबर है। जो मायोफाशा का जो डिसफंक्शन था फेस में वो ठीक कर दिया। लिप का आप अगर लाइन देख सकते हो तो लिप में भी डिफरेंस है। ओके, हाँ लिप में भी ये सीधा करके हम लोग देखते हैं जो लिप में भी एकदम नॉर्मल हो गया। अगर नॉर्मल हम लोग फेस देखेंगे कि ब्राइज ओपन है, ओपन आइज, ओपन आइज, हम ओवरऑल अगर देखते हैं तो कुछ भी वो नहीं है। एक्सेलेंट आपका चेंजेस आया ये यहाँ पे और यहाँ पे, एंड अभी नहीं लगता जो यहाँ पे भी कोई आपका फ्लैप्स और कुछ था इधर में, अभी एक नॉर्मल फेस का फेस में आपका आ गया। ओके, थैंक यू वेरी मच। हाय दोस्तों, तो आप लोग एक कंप्लीट फेस रिडक्शन ट्रीटमेंट किए, आप लोग भी देखे, इट्स अ आपका इंटरनेशनल लेवल का आपका एविडेंस बेस्ड आपका फेस ट्रीटमेंट है। एंड
जो रिजल्ट ओरिएंटेड आपका फेस ट्रीटमेंट है। बहुत सा यूट्यूब में आप लोग भी देखेंगे जो हर कोई दिखाते रहते हैं जो डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रीटमेंट, डिफरेंट टाइप ऑफ अप्रोच आप लोग देखते रहते हो, बट रिजल्ट होता है कि नहीं होता है वो जो जिसके ऊपर हुआ वही जानता है। तो आज मेरे साथ मेरा दोस्त यहाँ मौजूद है सौरभ नंदी। तो बोल रहे हैं नैरोबॉडी हम लोग 20 ट्रीटमेंट किए हैं, जो पहले बिफोर पिक्चर भी हम लोग दिखाएंगे। तो ये अभी आफ्टर 20 ट्रीटमेंट इनका फेस का कैसा आप लोग देख सकते हैं, जो फेस का एकदम चेंजेस पूरा आपका हो गया। एंड अभी सुनेंगे उसका फीलिंग्स क्या है, उसका एक्सपीरियंस क्या है एथेंस में आने के बाद और एथेंस में ट्रीटमेंट करने के बाद। थैंक यू अतिंदा जी, मेरा नाम सौरभ नंदी है, मैं प्रोफेशनली एक्टर हूँ और काफ़ी महीनों से अतिंदा का यहाँ पर मैं ट्रीटमेंट करवा रहा हूँ। और फेस का जो ट्रीटमेंट अतिंदा करते हैं उसके हिसाब से बीइंग ए प्रोफेशनल एक्टर मुझे बहुत हेल्प मिलता है। और फेस का जो भी एक्स्ट्रा फैट रहता है इधर का, हम लोग को शूटिंग में काफ़ी हम लोग बिजी रहते हैं, टाइम नहीं मिलता है, काफ़ी टाइम एक्सरसाइज करने का टाइम नहीं मिलता है, तो अतिंदा का ट्रीटमेंट से मेरे को बहुत हेल्प मिला है और फेस बराबर अपना शेप में रहता है और इट्स रियली फैंटास्टिक फीलिंग ऑल टुगेदर। बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया है और मैं रेगुलर आता हूँ और बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट मिलता है मुझे। इनके एक जो है डेडिकेशन भी रिक्वायरमेंट है जो हर किसी के अंदर नहीं होता। तो कोई भी आप अगर ट्रीटमेंट करते हो तो डेडिकेशन जरूर रहता है। जैसे मैं ट्रीटमेंट आप लोग का करता हूँ उसके साथ साथ इनका भी इतना कंट्रीब्यूशन है, तो मेरा एकदम हार्दिक इट्स ऑल अबाउट डेडिकेशन। आप अपने आप को अगर खूबसूरत दिखना चाहते हो और अपने आप को सही अपना पर्सनालिटी मेंटेन करना है तो कुछ कुछ चीज़ें आपको मेंटेन करना होगा, आपका डाइट मेंटेन करना होगा और बाकी सब आपका स्लीप, आपका टाइमिंग, डाइट का टाइमिंग, खाने का टाइमिंग। और उसके बाद कुछ ट्रीटमेंट होता है जो कि बेसिक ट्रीटमेंट है, कुछ लेजर ट्रीटमेंट है जो अतिंदा इज द बेस्ट पर्सन टू हेल्प यू आउट एंड गाइड यू प्रॉपरली एंड गिव यू अ प्रॉपर ट्रीटमेंट दैट विल बी फैंटास्टिक फॉर यू। ओके, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू अतिंदा, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। थैंक यू। तो दोस्तों आई थिंक अब लोग अभी खुश हो गया है, जो क्या नया तरह का ट्रीटमेंट अप्रोच है एंड जो साइंटिफिक है, आपका रिजल्ट ओरिएंटेड है। हर वक्त मैं इसमें ही फोकस करता हूँ क्योंकि लास्ट 22 इयर्स मैं काम कर रहा हूँ एक ही चीज़ के लिए, जो रिजल्ट कैसे हो जाए और बढ़िया से क्या रिजल्ट रहे, क्या अपडेशन है, मैं क्या अपडेट कर सकता हूँ। तो हर दिन मेरा अपडेशन चलता रहता है ये ट्रीटमेंट के ऊपर, और जितना भी आप लोग ये वीडियो देखेंगे तो और भी आपको अपडेशन और नया नया चीज़ देखने को आपको मिलेगा या सीखने को मिलेगा। तो जो लोग चाहते हैं जो ये फेस ट्रीटमेंट या ओबेसिटी मैनेजमेंट का, ओबेसिटी रिलेटेड, फैट रिलेटेड जो भी ट्रीटमेंट आप लोग अगर ट्रीटमेंट्स लेना चाहते हो, ये मेरा क्लिनिक मैक्सिमम आपका कोलकाता बेस है, तो कोलकाता में ही हम लोग आपका कंप्लीट ट्रीटमेंट करते हैं। एंड इसके साथ साथ जो लोग चाहते हैं जो ये सब ट्रीटमेंट जो इंटरनेशनल लेवल का ट्रीटमेंट आपको सीखना है, तो मैं आप मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं क्योंकि एथेंस एंटी ओबेसिटी डायबिटीज़ फाउंडेशन, मिशन ओबेसिटी डायबिटीज़ कैंसर फॉर इंडिया प्रोजेक्ट लिया, जहाँ पे आपका योगदान और आपका आप ज्वाइन कर सकते हो। और हम लोगों का जो आपका यूट्यूब चैनल है, तो आप यूट्यूब चैनल आप नॉट ओनली सब्सक्राइब करो, इसको शेयर भी करो। ये फॉर पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम है, इसमें कोई हम लोगों का वो नहीं है जो ठीक है जितना सब्सक्राइब करो उतना। तो आप जैसे देखते हो, अगर आपको अच्छा लगे ये वीडियो तो दूसरे के लिए भी शेयर करो, मे बी किसी का अगर एक आदमी का भी आपका काम हो जाए तो मैं सोचूंगा ये वीडियो आपका बनाना मेरा सक्सेस वो हो जाएगा, क्योंकि मेरा वीडियो बनाने का आपका जो उद्देश्य है तो ये आपका जो मिशन ओबेसिटी डायबिटीज़ कैंसर फॉर इंडिया में हर किसी को एम्प्लॉयमेंट भी मिले, क्योंकि हम लोग एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कैसे होगा, तो हर वो नौजवान, हर वो वुमेंस, हर किसी को काम मिले, हर कोई इंडिपेंडेंट हो जाए, तो ये मेरा मिशन है, ये मेरा सोच है। इसीलिए मैं क्या करता हूँ, एक वीडियो मैं जब बनाता हूँ कंप्लीट वीडियो बनाता हूँ जो आप लोगों को समझ में आ जाए कैसे होता है, टेक्निकली क्या साउंड प्रूफ है। ओके, तो इसके लिए आप जैसे आप मेरा यूट्यूब ये चैनल अतिंस एंटी ओबेसिटी डायबिटीज़ फाउंडेशन, ये कोलाबोरेशन भी है आपका विथ ओबेसिटी प्रैक्टिशनर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया।
जो लोग आप लोग ओबेसिटी लेके आप लोग काम कर रहे हो या करना चाहते हो या फ्यूचर में एज ए प्रोफेशनल ओबेसिटी क्लिनिकल ओबेसिटी प्रैक्टिशनर्स के हिसाब से काम करना चाहते हो, तो आप लोग ओबेसिटी प्रैक्टिशनर्स एसोसिएशन का आप लोग लाइव मेंबरशिप ले सकते हो, क्योंकि आप लोग हर वक्त ऑल ओवर वर्ल्ड में जो भी नया इन्फॉर्मेशन आता है एंड जो इफेक्टिव इन्फॉर्मेशन एविडेंस बेस्ड, जो ये नहीं जो कोई भी ट्रीटमेंट हम लोग दिखा दिए कोई भी ट्रीटमेंट कर दिए इसका कोई मतलब नहीं रिजल्ट नहीं मिले, इट्स नॉट लाइक दैट। जो लोग अथीन्स एंटी ओबेसिटी डायबिटीज फाउंडेशन एंड ओबेसिटी प्रैक्टिशनर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया इसमें ट्रेनिंग आप लोग ले चुके और जो भी लेंगे तो वो उसके एलिजिबिलिटी जो है वो आने बहुत ज़्यादा होगा, आपका आपको क्वालिफाइड हम लोग बनाते हैं, आपका स्किल हैंड जो आपका हाथ बात करता है ओके। तो जितना भी आप मशीनरीज जो भी आप देख रहे हो मशीन कुछ काम कर नहीं है जब तक आपका हाथ का काम नहीं होता, ये आपका जो नॉलेज डेप्थ ऑफ नॉलेज, कोई भी चीज़ में आपको डेप्थ में जाना चाहिए, तो डेप्थ ऑफ नॉलेज नहीं मिलता तब आप कंप्लीट रिजल्ट नहीं दे सकते ओके। तो उसके लिए आप लोग अथीन्स एंटी ओबेसिटी डायबिटीज फाउंडेशन नहीं तो ओबेसिटी प्रैक्टिशनर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया का आपका फेसबुक हम लोगों का पेज है ऑलरेडी और इसके साथ साथ आपका यूट्यूब जरूर आप लोग सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें, जस्ट देखो इट्स नॉट लाइक दैट, देखने के साथ साथ आपको अगर अच्छा लगता है तो यू कैन लाइक, तो एक लाइक से कुछ होता नहीं है और आपका एक शेयर से में भी किसी का आपका हेल्प हो जाए ओके। तो किसी को भी अगर कोई भी ओबेसिटी के बारे में कोई भी आपका क्वेरीज है या आपका डायबिटीज़ के बारे में आप डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, बहुत कुछ कर चुके हो, हर ट्रीटमेंट फेल्ड हो गया, मे बी आप फॉलो नहीं किए, मे बी प्रॉपर आपका गाइडलाइन आपको नहीं मिला, तो अथीन्स एंटी ओबेसिटी डायबिटीज़ फाउंडेशन आपका सेवा में हाजिर है हर वक्त। तो आप लोग हम लोगों का कॉन्टैक्ट दिया हुआ है जो कैसे आप कॉन्टैक्ट करें, नहीं तो मेरा पर्सनल मोबाइल में भी दे रहा हूँ जो 7980551069 इसमें आप लोग व्हाट्सअप कर सकते हैं, नहीं तो अब अपना कोई मैं अब डायरेक्ट बात कर सकते हो और कोई अगर हेल्प चाहिए तो। और इसके साथ साथ हम लोग का मेल भी है ऑलरेडी, मेल आईडी हम लोग दे दिया, वो मेल में भी आप लोग संपर्क करना चाहते हो, और कोई अगर ऐसा चाहते हो जो नहीं ठीक मैं थोड़ा सा कोर्स या वर्कशॉप हम लोग अपना सिटी में हम लोग ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, जो सर आप आओ आके एक वर्कशॉप हम लोगों को आप जानकारी दो, तो वो लोग भी आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, तो ऑल ओवर वर्ल्ड कहीं भी हो तो हम लोग जाके आप लोग आपको पूरा कंप्लीट ओबेसिटी मैनेजमेंट का हम लोग ट्रेनिंग देंगे एंड एज ए क्लिनिकल ओबेसिटी प्रैक्टिशनर्स हम लोग तैयार करेंगे, जहाँ पे कंप्लीट एक मल्टीडिसिप्लिनरी और मेडिकल अप्रोच में आप लोग एक कंप्लीट ओबेसिटी मैनेजमेंट आप लोग सीख सकते हो और कर सकते हो, जितना भी क्रिटिकल टू क्रिटिकल मेडिकल प्रॉब्लम हार्मोनल इम्बैलेंस और आपका स्ट्रक्चरल जो ऑर्थोपेडिकल न्यूरोलॉजिकल कोई भी कंडीशन में अगर वेट लॉस नहीं हो रहा है तो विदाउट सप्लीमेंट विदाउट मेडिसिन ऑब्वियसली, क्योंकि अथीन्स एंटी ओबेसिटी डायबिटीज फाउंडेशन ऐसा एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये एंटी सप्लीमेंट एंटी मेडिसिन ऑर्गेनाइजेशन है एंड 100% साइड इफेक्ट फ्री क्लिनिक है, कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, वन साइड इफेक्ट इज देयर जो आपको पूरा क्लोथ चेंज करना पड़ता है ओके। तो जिनको अच्छा लगे तो आप लोग हम लोगों से कॉन्टैक्ट कर सकते हो और संपर्क कर सकते हो, थैंक यू वेरी मच टू सीइंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।